नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन में हूं राकेश। सूबे में मॉब लिचिंग का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला पटना सिटी के मेहदीगंज थाना क्षेत्र के रानीपुर इलाके का है, जहां एक बार फिर मॉब लिचिंग का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने एक ट्रक चालक को बच्चा चोर समझकर उसे पकड़ लिया और तलाशी में उसके पास से चॉकलेट, नशीला पदार्थ और चाकू बरामद होने के बाद उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। साथ ही उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया, जहां पुलिस ने उसकी पहचान फुलवारी का रहने वाला ट्रक चालक गुड्डू कुमार के रूप में किया है। स्थानीय लोगों का मानना था कि ट्रक चालक चॉकलेट का लोभ दिखाकर उसे बच्चे के पकड़ने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ कर रही है और लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह भी दी जा रही है। आपको बता दें चले कि मॉब लिचिंग की घटना सिर्फ पटना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बेगूसराय से भी खबर आई, जहां पर मॉब लिचिंग का मामला सामने आया है। जी हां, बेगूसराय में भी इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह जोरों पर है। बेगूसराय में लगातार विभिन्न थाने क्षेत्रों से बच्चा चोरी के आरोप में विक्षिप्त महिलाओं और युवकों को भीड़ द्वारा न सिर्फ पकड़ा जा रहा है, बल्कि उसकी पिटाई भी की जा रही है। लोग पहले पकड़ कर पिटाई करते हैं, फिर थाना को सौंप देते हैं। बेगूसराय जिले के 3 थाना क्षेत्रों से 4 महिलाओं को पकड़कर लोगों ने पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। पहली घटना 13 थाना क्षेत्र के अयोध्या चौक की है, जहां 2 विक्षिप्त महिलाओं को बच्चा चोरी के आरोप में लोगों ने पकड़कर पहले तो पिटाई की, उसके बाद 13 थाना को सौंप दिया। ये दूसरी घटना आपको बता दे चले कि चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र से भी एक महिला को चोरी के आरोप में पकड़ा गया था, जिसके बाद उसे भी थाना में हवाला कर दिया। इसके बाद साथ ही साथ आपको बता दे चले कि तीसरी घटना की बात करें तो तीसरी घटना एफसीआई थाना क्षेत्र के बीहड़ गांव की आई, जहां पर भी महिला को बच्चा चोरी के आरोप में पकड़ कर पहले तो उसकी पिटाई की गई और बाद में थाने को सौंप दिया गया। सभी जगहों से पुलिस ने 4 महिलाओं को इलाज और जांच के लिए सदर अस्पताल आया। हालांकि अभी तक बेगूसराय में बच्चा चोरी की शिकायत दर्ज नहीं हो पाई है। इसके बावजूद भी लगातार अफवाहों पर भीड़ तंत्र विक्षिप्त की पिटाई करती नजर आ रही है। एसपी अवकाश कुमार ने लोगों से अपील की है कि कहीं भी कोई भी संदिग्ध अगर लोग दिखें तो उसे पकड़कर रखें, लेकिन इसकी सूचना पुलिस को तुरंत दें। कानून को अपने हाथों में लेकर उसकी पिटाई नहीं करें, यह गलत होगा। ठीक उसी तरह एक और खबर कटिहार से आई। आपको बता दें चले कि पिछले दिनों कटिहार में भी मॉब लिचिंग की मामला सामने आया था। कटिहार में बच्चा चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने मानसिक रूप से विक्षिप्त 2 लोगों की जमकर पिटाई की थी और उसके बाद पुलिस के हवाले किया था। इस मामले में आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि मामला मॉब लिचिंग जैसी कोई बात नहीं है। लोगों ने शक के आधार पर 2 मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को कदवा थाना क्षेत्र के सागरत गांव में ही पकड़ा था, जिसमें एक की पहचान हो गई है, जबकि दूसरे की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। ये पहली नजर में दोनों लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, लेकिन बेकसूर लोगों ने फिलहाल थाने के हवाले कर दिया। लेकिन थाने वालों ने यह कहा कि मॉब लिचिंग जैसा कोई मामला नहीं है। आपको बता दें चले कि मॉब लिचिंग का मामला बिहार में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बघा से भी कुछ दिनों पहले खबर आई, जहां पर मॉब लिचिंग की घटनाएं लगातार सामने आई। अफवाह फैलाकर आए दिन बच्चा चोरी के आरोप में बेकसूर लोगों की भीड़ में शामिल लोग पिटाई कर दे रहे हैं। और बघा के मधुबनी प्रखंड के धना थाना क्षेत्र में भी एक ऐसा ही मामला आया, जहां पर मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग धरकोसवा अर्थात बच्चा चोर कहकर मारपीट करने लगे और भीड़ में शामिल गांव वालों द्वारा उसे सरेआम पकड़कर घुमाने की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने भीड़ से मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग किसी तरह जान बचाई। मामला जो है थाना में पहुंचा, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें धनहा थाना पुलिस ने कुल 16 लोगों को वीडियो फुटेज के आधार पर नामजद अभियुक्त बनाया। आपको बता दें चले कि यह घटना धनहा थाना क्षेत्र के गांव की है, जहां मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को धरकोसवा यानी कि बच्चा चोर कहकर लोग जमकर उन्हें पिटाई की। उसके बाद न केवल पिटाई की गई बल्कि पूरे गांव में पकड़कर उसे घुमाया गया। हालांकि समय रहते सूचना पर पहुंची धना थाना पुलिस ने उसे बचा लिया, लेकिन लोगों ने पुलिस के साथ भी दुर्व्यवहार करने से बाज नहीं आए। बांका जिले के पंजवारा थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने जान पर खेलकर मॉब लिचिंग होने से रोका और ग्रामीणों ने बच्चा चोरी का आरोप लगाकर वहां भी 2 युवक को पीटा और 1 महिला को पीटा, जिसके बाद 2 युवक और 1 महिला को फिलहाल पुलिस हिरासत में रखा गया है। ऐसा नहीं कि इस तरह की मॉब लिचिंग की घटना सिर्फ बिहार से आ रही है, बल्कि पूरे देश भर के कई राज्यों से बच्चा चोरी के आरोप में बेकसूर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जरूरत है सरकार और प्रशासन को ऐसी घटनाओं को रोकने की
और सख्ती से ऐसे लोगों से निपटने की। हालांकि लोगों को यह भी समझना होगा कि उन्हें कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर बच्चा चोरी होने का शक भी उन्हें है, अगर होता भी है, तो तुरंत इसकी सूचना उन्हें पुलिस को देनी चाहिए। कानून को अपने हाथ में बिल्कुल न ले, क्योंकि इससे समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। फिलहाल न्यूज 111 में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे न्यूज 111। नमस्कार। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।